यह पूर्व से ही विदित है कि 500 वर्षों के हिंदुओं के संघर्ष के बाद वह पावन अवसर आज आया है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। राम जी वहाँ पहले से ही विराजमान थे, लेकिन एक भव्य भवन में, एक भव्य मंदिर में वह पुनः विराजमान हो, उस दिशा में आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला कदम रखा है। हिंदू समुदाय यह चाहता है कि भारत के अंदर जो भी इस तरीके के स्थान हैं वह मुक्त करा करके और देवी देवताओं के जो प्राचीन स्थल हैं उन्हें पुनः अपने पुराने स्वरूप में स्थापित किया जाए। यह इस लड़ाई की पहली जीत है और हम हिंदू समुदाय भारत की सरकार से, भारत की न्याय व्यवस्था से यह उम्मीद करता है कि आगे भी जो भी इस तरीके के अतिक्रमण हैं उन्हें हटा करके और हिंदू धर्म से जो भी भगवान देवी देवता के प्राचीन मंदिर हैं उन्हें पुराने अपने स्वरूप में, जो भारत विश्वगुरु हुआ करता था उस स्वरूप में, उसे पुनः स्थापित किया जाए। आज श्री राम मंदिर में क्या कार्यक्रम किया जाए? आज श्री राम मंदिर मऊ में ही नहीं, पूरी दुनिया में जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी तो पूरा हिंदू समुदाय हर्षित था, उल्लासित था। उसी दिशा में वह आरती, कीर्तन, भजन, प्रसाद वितरण और दीपावली बना रहा है, उसी दिशा में यह भी कार्यक्रम किया गया। सर्वविदित है कि आज भव्य मंदिर का शिलान्यास मोदी जी द्वारा किया गया है, जिसमें पूरा देश हर्ष में है, उल्लास में है और प्रत्येक मंदिरों में आह्वान किया गया था कि हर मंदिर में आरती हो, भजन कीर्तन हो, राम नामी हो, हनुमान चालीसा हो, दीपोत्सव हो। तो उस क्रम में आज यह कार्यक्रम हमने किया है। विशेष रूप से आज पावर हाउस के श्री राम मंदिर में यह कार्यक्रम हम लोग उपस्थित रहे, आरती की गई, पूजन किया गया और यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। शाम को फिर दीपावली मनाई जाएगी और सभी घरों में आह्वान किया गया है कि सब लोग अपने घर में दीपक जलाएं और उसके बाद हम लोग प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करेंगे। क्या संदेश है? इस कार्यक्रम से यही संदेश देना चाहेंगे कि सैकड़ों वर्षों की, यानी 500 वर्षों की गुलामी के बाद और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह आज मौका आया है कि जब श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, भव्य श्री राम मंदिर बनने का आज शिलान्यास हो चुका है, यह सबके लिए गौरव की बात है, हमारे पूरे देश के लिए गौरव की बात है, हमारी पुरातन संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए गौरव की बात है।